खबर मिल रही है जहां गीदम में 50 बिस्तर वाला अस्पताल आग की चपेट में आ गया है। आपको बता दें कि आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है, शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है। सुबह ये आग की घटना घटित हुई है। गीदम पुलिस फायर ब्रिगेड लेकर आग पर काबू पाने के लिए जुटी हुई है। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका है। बड़ी खबर मिल रही है जहां भीषण आग लग जाने का मामला सामने आया है। दंतेवाड़ा में 50 बिस्तर अस्पताल में भीषण आग लगी है। गीदम के 50 बिस्तर वाले अस्पताल में भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि लाखों का सामान इसमें जलकर खाक हो गया है। और आपको बता दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन तफ्तीश जारी है। लेकिन फिलहाल सबसे पहले प्राथमिकता बतौर आग को बुझाने का प्रयास किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार पंकज सिंह भंडौरिया फोन लाइन पे जुड़ गए। पंकज, आग कैसे लगी, क्या इसका असल खुलासा हो पाया है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, और इस आग की लगने से 10 वार्डों में इस आग की पूरी चपेट पहुंची है, जहां पर पीयूपी से लेकर के सारा इक्विपमेंट वहां पर जलकर खाक हो गया है। पूरे बिस्तर जल गए हैं। और सबसे बड़ी बात की जिस वक्त ये आग लगी, उस वक्त 5 से 7 वहाँ पर मरीज भी थे, जिनको आनंद फानंद में दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। तत्काल फायर ब्रिगेड और नगर पालिका की मदद से इस आग को इस वक्त तो काबू पा लिया गया है। और एक बात और भी निकल के आई है कि जो अस्पताल प्रबंधन के पास में आग का इक्विपमेंट होता है बुझाने के लिए, वो सारे के सारे एक्सपायरी डेट से, जिसकी वजह से अस्पताल प्रबंधन ने तत्कालिक तौर पर आग पर काबू नहीं पा पाया। ये एक अस्पताल की बड़ी लापरवाही वहाँ पर निकल करके आई। जी, कितना नुकसान अब तक बताया जा रहा है इसमें? हमारी बात हुई थी सीएमएचओ सांडिल से, तो उनका कहना है कि इस वक्त तो हम नुकसान का आकलन नहीं बता सकते फिक्स दायरा, लेकिन जिस तरीके से 7 वार्डों में ये पूरी आग की चपेट लगी है और पूरे बिस्तर जलकर खाक हो गए, इंस्ट्रूमेंट जलकर खाक हो गए, बड़ी मशीनें जलकर के खाक हो गई, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाखों रुपए की पर ये नुकसान आया है। कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता पहुंचा है क्या अभी तक? अभी तक तो फिलहाल वहाँ पर नगर पालिका की पूरी टीम, पुलिस प्रशासन की टीम और साथ में जिला अस्पताल के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं, और इस वक्त आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, आग बुझ गई है। अब महज नुकसान का वहाँ पर आकलन निकाला जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज। और अब अगली खबर आपको ग्वालियर